हेलो दोस्तों, मैं एनी फिर से एक बार आपको स्वागत करती हूँ मेरी नई वीडियो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेंस पे। अभी तो नया साल आ गया है, मतलब 2022। आई होप इस साल भी मैं आपके लिए बहुत नए नए वीडियो लाती रहूँगी और आप ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा ताकि मैं और भी नए नए वीडियो आपके लिए ला सकूं और उनके बारे में कुछ बता सकूं। तो आज जो मैं वीडियो लाई हूं, ये दरअसल एक एंड्रोजेनिक मॉडल है। मतलब ये अभी तो कुछ दिनों पहले, मतलब दो एक साल पहले अपने आप को ट्रांसह्यूमन के रूप में प्रकाश किए थे। तो लेकिन ज़्यादातर इनका है, मतलब इनको पूछा गया था कि आप एज ए ट्रांसजेंडर के ट्रांसवुमन के हिसाब से क्या आपको चेंज किए हैं, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, अभी तक तो मैं ट्रांजेक्शन प्रोसेस में नहीं गई थी। तो अभी सामने के दिन में जा भी सकती है, अभी तो इन्होंने ट्रांजेक्शन प्रोसेस अपनी, इनका कहना है कि ट्रांजेक्शन प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, HRT अभी नहीं लिए हैं। तो HRT का मतलब मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि हार्मोन रिप्लेसमेंट हेल्थ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक वो ऐसे तो कुछ थेरेपी नहीं लिए हैं। तो इनका बारे में जो भी पता चला है मुझे, वो आपको बताना चाहती हूँ। ये इनकी जो बर्थ है वो 1987 में हुई थी। ये दरअसल USA से बिलोंग करती हैं और इनको फैशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही, मतलब फैशन टेक्नोलॉजी में ये अभी गई है। तो और एज ए मेकअप आर्टिस्ट इन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकाश किया है। अभी जो काम करती है तो ये मैक जो एक फैशन ब्रांड है, मतलब मेकअप ब्रांड है, इनके अंदर ये काम करती हैं। तो ये मतलब अपनी, हाँ, इनको एक पूछा गया था कि आप इतनी सुंदर कैसी लगती है। तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने मेकअप के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करती हूँ। तो इनको कहा गया था कि कितना आप स्पेंड करती है मेकअप के ऊपर। तो इनके हिसाब से, मतलब USA के डॉलर के हिसाब से, इन्होंने कहा था कि पर मंथ इनको मेकअप के ऊपर करीबन $100 खर्च हो जाते हैं। तो अंदाजन मतलब हमारे इंडियन रुपीज़ के अंदर अगर माना जाए तो कम से कम 7,000 से 8,000 रुपये ये मेकअप के ऊपर खर्च करती हैं। इनको ज़्यादातर जो एंड्रोजेनिक जो इनकी फेस है, इसके वैसे इनको पूछा गया था कि ये इसके लिए क्या करती है। तो इन्होंने कहा था कि लेज़र हेयर रिमूवल किए हैं, डर्मल फिलर्स लिए हैं और बोटॉक्स लिए हैं, और उनके साथ एक बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप भी करती हैं। तो यही है इनका मतलब सुंदर दिखने का राज। और छोटी सी उम्र में ही ये क्रॉस ड्रेसिंग करते थे एज ए, फिर जो उन्होंने हाई स्कूल में गए थे, हाई स्कूल के बाद भी उन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग चालू की थी। तो इनके बारे में जो भी आपको मुझे पता चला आपको बता दिए, और फिर ये के साथ अच्छे लगे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ रहिएगा, ऐसे ही नए साल में हम लोगों का साथ बरकरार रहे। इसके साथ ही आज वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।